हेलो दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल DVG एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि शरीफा के प्लांट में किस तरह से एयर लेडिंग किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल DVG एग्रीकल्चर को ऑल फार्मिंग, गार्डनिंग एंड ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियो की जानकारी के लिए। आप लोग को यह जो ब्रांच दिख रहा है, हम आज इसी में एयर लेडिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, छील लेंगे। लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसको छाल के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, छील लेंगे। दोस्तों, आप लोग जब भी ब्रांच सेलेक्ट करते हो एयर लेडिंग करने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वह पेंसिल के थिकनेस का होना चाहिए, या थोड़ा उससे मोटा भी रहेगा तो वह चलेगा। आप लोग देख सकते हैं हम इसको किस तरह से छील रहे हैं। इसमें सिर्फ ऊपर का छाल ही छीलना है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अभी सिर्फ एयर लेडिंग से रिलेटेड वीडियो ही क्यों डालते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अभी बरसात का समय है, जो कि एयर लेडिंग के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। अगर हम बरसात का समय चल जाएगा और एयर लेडिंग उसके बाद करेंगे तो उतना सक्सेस नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हम अभी चाहते हैं कि जितना हो सके उतना एयर लेडिंग से रिलेटेड वीडियो हम बना के डाल दें, ताकि आप लोग भी यह कर सकें। इससे पहले हम नींबू के प्लांट और अमरूद के प्लांट पर भी करके आप लोग को दिखाए थे। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे है तो आप लोग ज़रूर जाके वो वीडियो देख लीजिए। आप लोग जब भी किसी प्लांट पे एयर लेडिंग करते हैं, तो आप जो ऊपर का छाल छीलते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा उसके ब्रांच को आप क्या करें, इस तरह से खरोच दें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में हम किस तरह से खरोच रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यह मेरा छाल छिला हुआ बिल्कुल हो गया है। दोस्तों, अब करते हैं मिट्टी के बाद। मिट्टी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सॉइल चलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें 70% आप मिट्टी दे दें। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो लगभग 30% कंपोस्ट दे दीजिए। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो काउडंग, अगर लगभग 1 साल पुराना काउडंग है तो काउडंग दे दीजिए। और ध्यान रखिए कि जो भी मिट्टी लेते हैं उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। हम इसमें सिर्फ काउडंग के लिए है। दोस्तों, अब हम इस दोनों को अच्छे तरह से मिला देंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हम किस तरह से मिला रहे हैं। और इसमें पानी नहीं दे, अगर आप सिर्फ सॉइल लेते हैं तो पानी दीजिए उसमें। अब हम एक बड़ा सा प्लास्टिक लेंगे जिसमें हम यह मिट्टी डालेंगे। अगर आप लोग के पास रूटिंग हार्मोन है तो ब्रांच पे आप लगा दीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम इसमें रूटिंग हार्मोन लगाए हैं। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रूटिंग हार्मोन इसलिए हम लगाते हैं कि रूट जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर रूटिंग हार्मोन नहीं लगाते हैं तो रूट थोड़ा लेट से आता है, लेकिन आता है। अब हम इस प्लास्टिक को एक साइड से अच्छे से एकदम टाइट से बांध देंगे। और जो भी प्लास्टिक आप लोग लेते हैं, वह हमेशा ध्यान रखिए कि वह मजबूत प्लास्टिक रहना चाहिए, क्योंकि अभी बरसात का समय है। अगर आप कमज़ोर प्लास्टिक लेते हैं तो वह बारिश में ख़राब हो सकता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम एक साइड से इसको बांध दिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम एक साइड से इसमें प्लास्टिक बांध दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक में जो हम मिट्टी तैयार किए हैं इसमें देने के लिए, वह मिट्टी हम देंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम इसमें किस तरह से मिट्टी दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि मिट्टी देने वक्त आप जहाँ पर ब्रांच को छीले हैं वहाँ पर ही दें, और आपका जो ब्रांच है वह बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। चारों साइड से इसमें मिट्टी रहना चाहिए और जो ब्रांच है वह बीच में रहना चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से इसमें मिट्टी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लास्टिक को अच्छे से मोड़ के और इसको जितना हो सके उतना टाइट से हम इसको बांध देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से बांध रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस तरह से अमदूर हो, नींबू हो, किसी भी प्लांट पे आप कर सकते हैं एयर लेडिंग। इससे पहले भी हम अमरूद नींबू के प्लांट पे किस तरह से एयर लेडिंग करना है वो भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी वीडियो जाके ज़रूर देख ले। इसको आपको जितना हो सके उतना टाइट से इसको बांध देना है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं हम इसको किस तरह से बांध रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग को यह जो बाहर प्लास्टिक ज़्यादा दिख रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, मोड़ के बांध देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इसका अप टू डेट लेके आएंगे तो आप लोग देख सके। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।